ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखर प्रहरी, खबरों की पड़ताल तह तक। हम लोग गुलामबाग मोड़ से हम लोग खड़े हैं। हम लोग आज देशवासियों को जागृत करने के लिए, हमारे राज्य के ऐसा हालत है आज कोरोना के संकट में, सब हम लोग साथ में लड़ेंगे तभी हम लोग कुछ कर पाएंगे, देश को बचा पाएंगे, हम अपने को बचा पाएंगे। इसीलिए सबको जागृत करने के लिए कि हम मास्क का उपयोग करें और हरदम सैनिटाइजर का उपयोग करें और अपने से गलती ना करें। जितना हो सके हम लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें और सबको यही संदेश देने के लिए आज हम लोग रोड पे खड़े हैं। लोग रोड पे आप लोग जागरूक भी कर रहे हैं कि लोग मास्क पहन कर चले, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सबको अपने भाइयों को क्या संदेश देना चाहते हैं? भाइयों को सब एक ही संदेश देना चाहते हैं कि आप लोग अपने से गलती मत कीजिए जानबूझ के, अपना भी ध्यान रखिए, सबका भी ध्यान रखिए, मास्क का उपयोग करिए और वैक्सीनेशन तो चल रहा है, वैक्सीन में भी कुछ गलती है तो वैक्सीन लेके भी सब कोई का सुविधा नहीं मिल रहा है, इसीलिए मास्क सबसे ज़्यादा जरूरी है। मास्क आप लोग मत छोड़िए और जितना हो हाथ साबुन से धोइए चाहे सैनिटाइजर से धोइए, बाहर मत निकलिए, जरूरत के निकलिए, जितना हो सके घर पे रहा। क्या नाम हो आपका? पर्चा आपका? मेरा नाम है पूजा दास, मैं कोलकाता की रहने वाली हूँ, अभी यहाँ पर प्रोग्राम कर रही हूँ तो यहीं पर हूँ। धन्यवाद। शादी समारोह में नाच गायक आशीष देने वाले किन्नर विश्व में फैली महामारी को समाप्त करने के लिए भगवान से हर दिन दुआएं मांग रही हैं। लॉकडाउन के पालन करते हुए उन्होंने अपने सभी कार्यों पर रोक लगा दी है और साथ ही बक्सर की सड़कों पर उतरकर हर आते जाते लोगों से संक्रमण से बचाव, मास्क लगाने और सरकार के गाइडलाइन से पालन करने की बातें कह रही है। वैसे तो देश भर में कोरोना संक्रमण बढ़ते जा रहा है और आम आदमी अपनी जान बचाने की जद्दोजहद में लगा हुआ है। बक्सर का जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि बढ़ते संक्रमण को देखते हुए घरों से ना निकले, लेकिन उसके बावजूद भी लोग नहीं मान रहे। इसको देखते ही वे किन्नर समाज का यह नया फंडा बक्सर शहर के लिए कारगर साबित हो रहा है।